लगता है किसी गंभीर मसले में उलझे हुए हैं आप। मिस सहर, आप बैठिए प्लीज। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ना कोई बात तो है, वरना आप अपना रिजाइन इस तरह से शैला को पेश ना करते। मैम ने अगर आपको मेरे रिजाइन के बारे में बता दिया है तो उसकी वजह भी जरूर बता दी होगी। उसने मुझे वजह बता दी है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या आप वाकई जॉब छोड़ना चाहते हैं? मिस, हम उससे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं? देखिए, मेरी मर्जी है मैं जॉब करना चाहूँ या ना करना चाहूँ। हमारे दरमियान दोस्ती ना सही, लेकिन एतमाद का रिश्ता जरूर कायम है, और इस रिश्ते के हवाले से मुझे यकीन है कि आप ये जॉब अपनी मर्जी से नहीं, अपने डैडी का हुक्म मानने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं अपने अब्बू को नाराज नहीं कर सकता मैं। लेकिन आप उन्हें समझा तो सकते हैं, हमें कितनी जरूरत है आपकी, हम कितना डिपेंड करते हैं आप पे। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कन्विंस नहीं कर सके होंगे फरहान, अंकल ने आपको यहाँ भेजा था शैला की सपोर्ट के लिए, डैडी के साथ दोस्ती निभाने के लिए। आप यहाँ पैसा कमाने के लिए, ओहदा लेने के लिए नहीं आए थे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हालात इस तरह के रुख अख्तियार कर जाएंगे कि हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हालात से डर कर पीछे हटने के बजाय उनका मुकाबला क्यों ना किया जाए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अंकल का ये फैसला खुदगर्जी पे मबनी है। यासिर भाई ने इस कंपनी को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें दोबारा इस कंपनी को उसी मुकाम पे लेके जाना है, और उसके लिए हमें आप जैसे बाएतमाद और मेहनती साथी की जरूरत है। आई होप आप अपने फैसले पे दोबारा से नजरसानी करेंगे। फरहान, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आप हमें छोड़ के ना जाएं। डैडी नहीं आए? बुलाया, आ रहे। जब से तुम पाकिस्तान से आई हो बहुत गुमसुम हो, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जिस्म तो यहां है लेकिन शायद रूह पाकिस्तान में ही छोड़कर आ गई हो। शायद। मैं अब भी यही कहती हूं, अगर लाइफ में कोई आ गया है तो उसे पाने की कोशिश करो, वरना खुदा की मर्जी समझ के पासिफ की हो जाना। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या सबक पढ़ा रही थी मेरी बेटी को? मेरी बेटी? वो सिर्फ आपकी बेटी है। हाँ, अलिया तुम्हारी औलाद नहीं है। मैंने उसे माँ बन के पाला है। पालने से माँ नहीं बन सकती? जरूरी नहीं है, जिसने जचकी का दर्द ना सहा हो उसकी ममता नहीं होती। औरत सदा बीवी से माँ बनकर मरती है। अगर तुम माँ होती तो उसे उल्टे रास्ते समझाती। मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए उसकी खुशी चाहती हूँ। उसकी खुशी क्या है? That I know very well. So please, उससे दूर रहो।
वासिफ। हाय अंकल। कहाँ हो? जी मॉरिशस में। मॉरिशस में? वहाँ क्या कर रहे हो? जी मैंने आपसे जिक्र किया था, कुछ बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा था। याद आया। शांजे कैसी है? शांजे ठीक है, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। अलिया वापस आ गई? हाँ, वो शांजे की तबीयत कुछ खराब थी, सुनते ही फौरन वापस आ गई। शांजे का सुनकर? हाँ ऑफ कोर्स, उसी के लिए। अंकल आप घर कब पहुंचेंगे? बता दे, घंटे तक पहुंच जाऊंगा मैं, घर पहुंचते ही तुम्हें फोन करता। जी ओके ओके, आई टॉक टू यू लेटर। ओके बाय बाय। भाई कपड़े बाद में चेंज कर लेना, पहले इधर आओ मेरे पास बैठो, आगे आ जाओ बैठो। जब तुमने शैला को अपना रिजाइन दिया, उसका रिएक्शन क्या था? अबू मैम, शैला ने मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2-3 दिन और सोच लूं। नहीं बेटा, अब सोचना क्या, जो बेहतर फैसला था वो हमने कर लिया। नहीं अबू, मुझे ये लगता है कि हमारा ये फैसला कुछ जज्बाती है। अंकल जफर और शैला से हमारा ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म हो गया। अबू अच्छे वक्त में तो सभी लोग साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में ही अपने और पराए की पहचान होती है। बेटा मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था, औलाद के लिए जिस तरह हर माँ बाप सेल्फिश होते, मैं भी हो गया था। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त जफर का दिल दुखाया है। अबू मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया। नहीं बेटा, सिर्फ ये बात नहीं है, ये इंसानी कदरें हैं, और इन कदरों को पामाल करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। अगेन थैंक यू बेटा, तुमने मेरे जज्बों का भरण रखा है, मेरी और जफर की दोस्ती में दरार नहीं आने दी। थैंक यू। तो अबू अब ये डिसाइड हुआ कि मैं इस्तीफा वापस लेगा। सिर्फ इस्तीफा वापस नहीं लेना, उसे फाड़ के रद्दी की ठोकरी में फेंक दो। ठीक है अबू, लेकिन आप भी अंकल जफर को फोन करके उनको सारी हकीकत से आगाह कर दीजिए। रूठे हुओं को फोन करके नहीं मनाते, जिन बातों से जो आंसू उसकी आंखों में आए होंगे, बातों से नहीं, सिर्फ रो तो नीना, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम तो इतनी बहादुर बहन हो यार, मतलब सिर्फ कम ऑन यार। मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ सर, जिंदगी हर रोज मुझे एक नए इम्तिहान में डाल देती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो सिस्टर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कि तुम ही तो मेरा सहारा हो, वरना मैंने तो जिस पर ही भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। देखो सिस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हिम्मत हार के एक साइड पे बैठ जाएं, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ भाई, मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैं छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई, और अब तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दो, मैं अब सारे मामलात संभाल सकती हूँ। कैसे परेशान हो? पिछले 2 माह में कंपनी ने कितना नुकसान उठाया है, यासर की हरकतों की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, घर डिस्टर्ब हुआ, कमर तोड़ के रख दी है उस शख्स ने हमारी। इरफान अंकल,
और डैड की इतनी पुरानी दोस्ती थी उसमें दरार पड़ गई है। फरहान ने रिजाइन कर दिया है। समझ नहीं आता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे ठीक होगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता है इस वक्त हमें अपनी सारी कंसंट्रेशन अपने बिजनेस पे रखनी चाहिए। एंड आई होप हम वापस जल्द अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। और जहां तक फरहान की बात है, मेरी बात हो गई है फरहान से और वो भी अपना फैसला जल्द वापस ले लेगा। अच्छा रिलैक्स ना।